अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ हम लोग सब खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ढेरों दुआएं आपके लिए। आज मैं शोरबे वाला गोश्त बना रही थी, आलू सब कह रहे थे कि शोरबे वाला बना के दिखाएं। देखिए, ये पीसी मिर्चें 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 पाव प्याज है ये, और ये आधा किलो गोश्त है बटन, ठीक है, बकरे का। अब मैंने ये 1 पली तेल डाला है जो मैं डालती हूँ, इसके अंदर ये प्याज डाल के और रख दूँगी, ठीक है। ये डाल दी मैंने प्याज। अब जब ये पिंक हो जाएंगे ना प्याज, तो ये प्याज अदरक लहसुन और साबुत धनिया में पीस लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गोश्त डाल लूँगी, इसका कलर बदल जाएगा ना, फिर मैं ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और ये मसाला भी एंड में डलेगा जब वो भुनने लगेगा ना, जब ताकि जले नहीं। शोरबे वाला गोश्त बनाना है, सब ने यही कहा है, ठीक है। ये ले, ये देखिए मैंने प्याज पीसी और पीस के इसके अंदर डाल दी, और गोश्त डाल दिया, लहसुन था, धनिया था, ये सब मैंने डाल दिया, ठीक है। ये पिंक हो गई थी प्याज है, मैंने इसको पीस लिया, सही है। अब मैं इसको बनेगा ये, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, भूनूंगी तो, ठीक है। दही डालूंगी इसके अंदर, पीसी हुई मिर्चें डालूंगी, हल्दी डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त, ढकना लगा दी। देखिए गोश्त बन रहा है, अब इसमें शोरबा डालूंगी मैं, ठीक है। फिर बाद में आलू डाल दूंगी, जब शोरबा हो जाएगा ना सही से, पक जाएगा तो मैं आलू डाल दूंगी। देखिए आलू तो फ़ौरन गल जाते हैं, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। जब तक के लिए इजाज़त। देखिए ये गोश्त बन के तैयार है, डिश आउट कर रही हूँ इसको, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया, शोरबे वाला बना दिया बोला था मैंने, ठीक है। ये देखिए आलू गोश्त बन के तैयार है, आप खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, अल्लाह हाफिज़।